नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज बिहार झारखंड। 4 जनवरी सोमवार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। मुख्य समाचार। बिहार में आज से खुले सरकारी स्कूल और कॉलेज, जूनियर क्लास पर रहेगी पाबंदी। कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा बोले, पहले टीका लेकर लोगों का विश्वास जीते पीएम नरेंद्र मोदी। बिहार में प्रेम प्रसंग में 8 बच्चों के पिता की हुई हत्या, पड़ोसी ने काट डाला प्राइवेट पार्ट। यूपी से पटना रावड़ी आवास पहुंचे बाबा, तेजस्वी के प्रधानमंत्री बनने की कर दी भविष्यवाणी। धोनी किसानी में भी छोड़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय छाप। दुबई के जायके को टेस्टी बनाएगी धोनी के खेतों की सब्जियां। अब खबर विस्तार से। बिहार में कोविड-19 महामारी की वजह से पिछले 9 महीने से बंद स्कूल 4 जनवरी यानी आज से खुल गए हैं। स्कूलों के साथ कोचिंग संसाधन और हॉस्टल भी शुरू किए गए हैं। पहले चरण में 4 जनवरी से 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुलेंगे। दूसरे चरण में 19 जनवरी से नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की योजना है। महामारी को लेकर बिहार सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसके अंतर्गत स्कूल कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक रोजाना स्कूल कॉलेज में केवल 50% ही छात्रों की उपस्थिति रहेगी। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेज में सैनिटाइजर की व्यवस्था भी रखनी होगी। साथ ही सरकार स्कूल खुलने के बाद हालात किस तरीके के हैं, इसको लेकर रोजाना समीक्षा करेगी और फिर आगे क्या करना है, इसे लेकर फैसला किया जाएगा। महामारी कोरोना के बीच कोविड शील्ड और कोवैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद भारत में भी इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। ऐसे में बिहार में कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का कहना है कि नववर्ष में वैक्सीन आना गर्व की बात है, लेकिन कोरोना को लेकर आम लोगों के मन में संशय की स्थिति है। जिस तरह से रूस और अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने पहले वैक्सीन लिया, भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सबसे बड़े नेता सबसे पहले कोरोना का वैक्सीन लें। आगे उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन को लेकर बीजेपी के लोग अपना ढिंढोरा पीट रहे हैं, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक देश में कांग्रेस कार्यकाल में स्थापित हुई थी। बीजेपी वैक्सीन को लेकर जश्न मना रही है, लेकिन यह कांग्रेस का देन है कि वैक्सीन बना है। इसलिए मेरी लोगों से अपील है, वैक्सीन के लिए लोग बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी बधाइयां दें। बिहार के गोपालगंज में प्रेम प्रसंग में एक ऐसे व्यक्ति की धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दी गई जो 8 बच्चों का पिता है। वह अपने बेटे बेटियों की शादी करा चुका है और उसके नाती पोते भी हैं। हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। 55 साल के मृतक व्यक्ति की पहचान बैजनाथ चौधरी के रूप में की गई है। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की चर्चा है। आरोप है कि इस हत्याकांड को उसके पड़ोसी ने अंजाम दिया है, जिसकी पत्नी के साथ बैजनाथ चौधरी का अवैध संबंध था। मौके वारदात से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे प्रेम प्रसंग की पुष्टि होती है। आरोप है कि पड़ोसी ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ मिलकर किसान का प्राइवेट पार्ट काट दिया और उसकी हत्या कर दी। नए साल के मौके पर पटना स्थित लालू रावड़ी आवास कई लोग रोज मिलने आते हैं, लेकिन रावड़ी देवी से मिलने स्वामी श्री श्रद्धानंद महाराज पहुंचे। इन महाराज ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी। लालू यादव स्वामी जी के आश्रम हमेशा जाते रहे हैं। यूपी में वाराणसी के पास बाबा का आश्रम है और बिहार में भी बाबा ने अपना एक आश्रम बनाया है। स्वामी जी प्रसाद लेकर रावड़ी आवास पहुंचे थे।
उन्होंने राबड़ी देवी से मुलाकात की, प्रसाद और गीता भेंट की। राबड़ी देवी से मिलने के बाद स्वामी सदानंद महाराज ने कहा कि आपका बेटा तेजस्वी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। भले ही अभी कई बाधाएं आ रही हों, लेकिन समय के बाद सारा संकट दूर होगा और आपका पुत्र देश का नेतृत्व करेगा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब क्रिकेट के साथ साथ किसानी में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ने की तैयारी में है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही रांची में उनके खेतों में उगाई गई सब्जियां दुबई की थालियों में नजर आएंगी। इसके लिए कई कंपनियों से बातचीत चल रही है। फिलहाल धोनी अपने परिवार के साथ दुबई में ही नए साल की छुट्टियां मना रहे हैं। धोनी के खेतों में उगाई गई सब्जियां जैसे टमाटर, गोभी, मटर, शिमला मिर्च रांची के बाजारों में पकड़ बना चुकी हैं। जैविक खेती के कारण इन सब्जियों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अब इन्हें दुबई भेजने की तैयारियां की जा रही है। आज इतना ही, अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।